हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपसे चर्चा करूँगा सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में, जो कि क्लास 9 की वर्कशीट है, जो कि इसका सीरियल नंबर 86 है। 14 फरवरी 2022 की ये वर्कशीट है। पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती पर आधारित है। इसको शुरू करने से पहले बच्चों, जो कोई भी हमारे इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। भावी चुनौतियां। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है। क्या आई है बच्चों? निश्चित रूप से गिरावट। लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? कम करना, भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। मतलब गरीबी को कम करना भारत की अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन से अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्य रूप से उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर और जनसंख्या विकास में गिरावट एवं महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगी। मतलब क्या हो, क्या बताया है कि 10 से 15 वर्षों में जो निर्धनता उन्मूलन का कार्यक्रम है वो ढंग से लागू हो सकेगा, क्योंकि उच्च आर्थिक वर्ग, उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक एवं कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण ये संभव हो सकेगा। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। कहाँ तक कर देना चाहिए? मानव निर्धनता तक। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। क्या है? एक गतिशील लक्ष्य। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराने, लैंगिक समानता तथा निर्धनों को सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। और भी बड़े काम किए जाएंगे। तो ये तो हमने समझी भावी चुनौतियां। अब याद रखने योग्य बातें क्या क्या हैं और याद रखने योग्य बिंदु। निर्धनता के अनेक आयाम हैं। कितने एस्पेक्ट्स हैं? निर्धनता के बहुत एस्पेक्ट्स हैं। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण किया जाता है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए गए समूह को पूर्ण करने में आवश्यक है। मतलब कि जितना एक तय कर रखा है उससे अगर नीचे भी उसका स्तर गिर रहा है तो भी वह निर्धन माना जाएगा। उदाहरण के रूप में 110 रुपये से नीचे पूरे दिन में निर्वाह करने वाले को सरकार ने तय किया है कि गरीब माना जाएगा। तो यानी कि जो 90 रुपये और 100 रुपये में जीवन निर्वाह कर रहा है एक दिन का, तो वह भी गरीब की श्रेणी में आएगा। विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखा का प्रयोग करते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। आने वाले वर्षों में निर्धनता उन्मूलन में प्रगति कैसे संभव होगी? चलिए उत्तर देखें। आने वाले वर्षों में बच्चों, आने वाले 10 से 15-20 वर्षों में क्या होगा? इन चीजों के कारण, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सशक्तिकरण संभव हो पाएगा।
ये यहां से लेके आपको यहां तक उसका आंसर वन है। ठीक है बच्चों, निर्धनता उन्मूलन आने वाले 10 से 15 वर्षों में मुख्य रूप से आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगी। निर्धनता को कम करने के लिए किन बड़े कार्यों को करने की आवश्यकता होगी? तो बच्चों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण ही ये संभव हो पाएगी। आंसर टू। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, न्यूनतम आवश्यक आय से आपका क्या तात्पर्य है? न्यूनतम आवश्यक आय, निर्धनता उन्मूलन में हमेशा एक गतिशील लक्ष्य रहा है। आशा है कि हम अगले दशक तक अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। मतलब एक मिनिमम वेजेस की बात हो रही है। मतलब जो मैंने आपसे चर्चा की थी उदाहरण देकर, 110 रुपये से कम वाली, तो वही चर्चा। न्यूनतम मतलब एक जो सरकार ने तय कर रखा है, इतनी संख्या से नीचे पे जीवन निर्वाह यानी कि पूरा एक दिन का जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति को निर्धन की श्रेणी में माना जाएगा। यही वो न्यूनतम आवश्यक है यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट। फोर्थ क्वेश्चन देखें, महिलाओं के सशक्तिकरण से गरीबी कम करने में कैसे मदद मिलेगी? बच्चों, जब महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, जब महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण होगा तो क्या होगा? महिलाएं घर की मुख्य रूप से एक व्यक्ति होती हैं। उसमें जब वो दूसरों को बताएंगी, अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, लिखाएंगी, समझाएंगी, तो क्या होगा? समाज में और सशक्तिकरण आएगा। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन भी किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जब इसमें अपने योगदान देंगे तो सशक्तिकरण कारण और संभव हो पाएगा। अब देखिए ये हो गया, और अगला देखें पांचवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्धनों की लैंगिक समता एक आवश्यक कार्य क्यों है? तो इसमें ये पॉइंट है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराने में लैंगिक समता तथा निर्धनों का समान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे, और भी बड़े काम। ये इसका आंसर है। और साथ में आप बच्चों आंसर्स के लिए यहाँ के पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, इनको भी आंसर्स के लिए आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।